Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. All of Education Channel में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि मैकोले मेथड की सहायता से कैसे मैक्सिमम स्लोप निकालते हैं। एंड अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस प्रकार निकालते हैं। तो हमने वो वीडियो अधूरी छोड़ दी थी, तो उसका ही सेकंड पार्ट है ये वीडियो, तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, मैकोले मेथड की सहायता से हमने फर्स्ट स्टेप में हमने रिएक्शन निकाली थी, आर ए आर बी। आर ए की वैल्यू आई थी हमारी 7.11 किलो न्यूटन, आर बी की वैल्यू आई थी 4.89 किलो न्यूटन। सेकंड हमने इक्वेशन बनाई थी, स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप इक्वेशन थी हमारी ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में आर ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5 एक्स माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में C1 हमारा कॉन्स्टेंट था। फिर इसी का ही समाकलन करने के बाद हमने ई आई मल्टीप्लाई बाय आर ए इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में 6 माइनस मैकोले लाइन 7 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में 6 माइनस मैकोले लाइन 5 एक्स माइनस 6 की क्यूब अपॉन में 6 प्लस में C1x प्लस में C2। फिर हमने हम जानते हैं कि स्लोप सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो जीरो होता है, तो उसकी सहायता से हमने C1 और C2 की वैल्यू निकाली थी। तो हमारी C2 की वैल्यू निकल के आई थी 0 और C1 की वैल्यू निकल के आई थी माइनस 49.02। फिर इसके बाद हमने मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला था, तो मैक्सिमम सपोर्ट ए पे तो हमारा निकल के आया था माइनस 49.02 अपॉन में ई आई, और सपोर्ट बी पर निकल के आया था 44.95 अपॉन में ई आई। अब देखते हैं हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो ये मैंने कुछ पिछली वीडियो के डाटा लिख रखे हैं, आर ए आर बी की वैल्यू, सी ए सी वन सी टू की वैल्यू, और ये डायग्राम है। डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी लिख रखी है, स्लोप इक्वेशन भी लिख रखी है। हम जानते हैं, हमने फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, उसमें हमने देखा था कि जहाँ पर स्लोप जीरो होता है वहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहाँ पर स्लोप की वैल्यू जीरो होती है। जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होता है डिफ्लेक्शन की वैल्यू वहाँ पर जीरो होती है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे कि आर ए यानी ए पॉइंट से कितनी दूरी पर हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बनेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ बनता है। इतना ज़रूर पता है कि ये दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों के बीच में बनेगा। इतना हमें पता है कि इन दोनों के बीच में बनेगा, पर कन्फर्म नहीं है कि कितनी ए दूरी से कितनी दूरी पर बनेगा। इसलिए हम इस बात को लागू करेंगे कि स्लोप जहाँ पर जीरो है वहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम रहेगा। तो स्लोप वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली, इसको हम जीरो पुट कर देंगे,
जीरो पुट कर दिया और मैंने ये सारी वैल्यू लिख दी। सी वन की वैल्यू 49.02 लिख चुका हूँ। फिर इसके बाद हम मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 7.11 में 7.11 में मैंने 2 से डिवाइड किया है, 3.55 एक्स स्क्वायर। ऐसे 7 में मैंने 2 से डिवाइड किया, 3.5। ये है, ये क्या बन रही है, ये बन रही है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इसको मैंने होल स्क्वायर हटाया, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने लगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पावर हटा दी माइनस 49.02। अब ये माइनस 3.5 को मैंने अंदर जो कोष्टक में जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई किया है, तो उसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये प्राप्त हुआ है 3.55x² माइनस 3.5x² माइनस 14 प्लस में 14x माइनस 49.02। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के दो घटक हैं, एक्स स्क्वायर के घटक 3.55 माइनस 3.5 को सॉल्व कर 0.05 एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ जो प्लस का है, 14x ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस के दोनों जुड़ जाएगी, तो दोनों जुड़ने के बाद माइनस 63.02 प्राप्त हुआ। तो अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में ए क्या हो जाएगा 0.05, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 63.02। बाइनोमियल थ्योरम है क्या, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो a की वैल्यू हमारी क्या है 0.05, b की वैल्यू 14, c की वैल्यू है माइनस 63.02। तो इस इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, b की वैल्यू माइनस माइनस, b की वैल्यू 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.05 इंटू माइनस के 63.02 अपॉन में 2 इंटू 0.05। पहले हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट क्या है हमारा, 14 का स्क्वायर माइनस कोष्टक 4 इंटू 0.05 इंटू माइनस का 63.02 ये कर लिया। अब ये हमारी वैल्यू ये निकल के आई थी 208.60। तो इसका क्या करना है, अंडर रूट, तो अंडर रूट आंसर को दबाएंगे, फिर ये निकल के आई थी हमारी 14.44। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है 14.44। नीचे वाली को सॉल्व करेंगे, 0.05 इंटू 2 करने पर 0.1 प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त होगा। इसमें हम प्लस वाली हमारी वैल्यू को ले लेंगे, प्लस प्लस माइनस का निशान है तो इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे, माइनस 14 प्लस 14.44 अपॉन में 0.1। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पर 4.4 मीटर। अब जो हमारी जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है 4.4 मीटर, इसको हम जो डिफ्लेक्शन वाली हमारी जो इक्वेशन थी उसमें रख देंगे और हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाएगा। डिफ्लेक्शन इक्वेशन है हमारी
ई आई मल्टीप्लाई वाई बराबर आर ए इंटू एक्स की पावर थ्री अपॉन में सिक्स माइनस मैकॉले मेथड सेवन इंटू एक्स माइनस टू की पावर थ्री अपॉन में सिक्स माइनस फाइव एक्स की एक्स माइनस सिक्स की पावर थ्री अपॉन में सिक्स प्लस सी वन एक्स प्लस में सी टू। अब इसमें आर ए की वैल्यू हमें पता है 7.11, एक्स की वैल्यू हम 4.4 रखेंगे, 4.4 के क्यूब अपॉन में 6, ये हमने एक्स की वैल्यू रख दी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 7.7 इंटू 4.4 का क्यूब में भाग देना 6 का, ये हमारी वैल्यू निकल के आई है 100.94। सेकंड को सॉल्व करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 4.4 माइनस 2 का क्यूब भाग देंगे 6 का, 16.12। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4.4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी, जो माइनस की वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम इसमें मैकलॉन लाइन कहती है कि हम कंसीडर नहीं करेंगे या उसको नहीं लेंगे। तो इस स्टेप को हम छोड़ भी सकते हैं, तो इसको वैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब है हमारा लास्ट स्टेप 49.02 मल्टीप्लाई 4.4 215.68 किसका आएगा, माइनस का। तो ये दोनों, ये संख्या माइनस की और ये संख्या माइनस की, तो दोनों माइनस की संख्या को हम प्लस कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो 100.49 माइनस 16.12 माइनस 215.68, ये 130.86 जो किसकी है, माइनस की, माइनस 130.86 अपॉन में ई आई। वाई क्या है हमारी, डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, माइनस 130.86 अपॉन में ई आई, माइनस यहाँ पर माइनस ये दर्शा रहा है कि डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हुआ है। कैसे, जैसे कि ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें मैं ये हुआ डिफ्लेक्शन, ये देखो, तो ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कितना है, माइनस 130.86 अपॉन में ई आई। ये यहाँ पे इसमें माइनस का कंसीडर मत करो, क्यों, क्योंकि ये माइनस दर्शा रहा है कि नीचे की तरफ हुआ है। ये दूरी क्या है, एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स बराबर 4.4 ये वैल्यू, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम निकाल चुके हैं। यदि हमें कैसे भी, जैसे कि इस पॉइंट पे दे दें कि हमें, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, अगली वीडियो में देखेंगे कि पॉइंट पर कैसे डिफ्लेक्शन निकालते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। जैसे सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है हमें, तो सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, कितनी हो जाएगी, 2। तो एक्स की हमारी जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह हम 2 रख देंगे तो पॉइंटों पर निकल जाएगा। लेकिन जब हमें मैक्सिमम निकालना होता है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, वो कैसे निकालेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्लोप जहाँ पर जीरो होता है वहाँ पर डिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसलिए हम स्लोप की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे और बायनोमियल थ्योरम लगा के, बायनोमियल इक्वेशन लगा करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू को हम डिफ्लेक्शन वाली वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और जो हमारी पहली वीडियो है उसको मैं आई बटन पर आ रही है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्लोप डिफ्लेक्शन की दोनों वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर वॉच करें यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो।